सबसे पहले बैग लाइट को खोलते हैं और आपको बता दें क्या करने वाले हैं इसमें चेंज। आज हम इस गाड़ी का पहले सबसे पहले खोलना है हमें बैग लाइट। अब ये हमारी नॉर्मल बैग लाइट अभी हमारे पास है, यह है LED बैग लाइट। अब देखो दोनों देखने में सेम लगती है बिल्कुल, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ दोनों में डिफरेंस क्या है। अब यहाँ पर सिंपल हम बैग लाइट जो नॉर्मल आती है इसको जलाएंगे, तो यह है जो बिल्कुल नॉर्मल लाइट जलता है, एक बल्ब बीच में आपको यहाँ नजर आएगा, बीच में बल्ब। अब हमारे पास है ये LED बैग लाइट, इसको लगाएंगे और आपको यहाँ दिखेगी LED बैग लाइट। और अब हम हेडलाइट जलाएंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं छोटी छोटी सी पार्किंग लाइट चल रही है, ठीक है। ये हो गई हमारी बैग लाइट। और ब्रेक लाइट जलाएंगे तो ये बीच की LED लाइट जलेंगी, तो इसको जल्दी से फिट कर देते हैं। अब इसको बदलने के लिए हमें तीन यहाँ पर स्क्रू दे रखे हैं, ये नॉर्मली स्क्रू आप पेचकस से खोल सकते हैं बिल्कुल। तो इसके बाद आप जब तीनों पेच खोल देंगे इसको आराम से पुश करना है और ये बाहर निकल गई। इसके बाद हमारे पास दूसरी है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है देखिए, यहाँ पर LED बल्ब के लिए वायर जा रही है और यह है सीधे एक बल्ब, ये फिट हो गया। और अब नॉर्मली हम इसको लगा देंगे, इसको लगाने के लिए सिंपल है। देखिए जो ऊपर एक एरो का निशान दे रखा है, या ये दो पेच हैं इसको ऊपर की साइड रखना है। देखिए बिल्कुल फिटिंग बिल्कुल करेक्ट आती है, राइट। इसके बाद सिंपली आपको पेच टाइट करने हैं। तीनों पेज टाइट कर दीजिए और आपकी लाइट बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। अब दूसरा हमने करना है इसके इंडिकेटर चेंज। अब ये है हमारे जो नॉर्मल इंडिकेटर रहते हैं और ये है LED इंडिकेटर, और ये आपको अलग अलग क्वालिटी में मिल जाते हैं। ये नॉर्मली है और ये भी दिल्ली से बाय कर रखे हैं, ठीक है। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए थोड़ा सा, ये तीन वायर है इसके अंदर और जो हमारा नॉर्मल इंडिकेटर होते हैं उसके अंदर दो वायर होती हैं। तो अभी मैं दिखाता हूँ कि इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं। मैंने फंक्शन कैसे कर रखा है, पहले एक बार इंडिकेटर जला के दिखाओ। पहले इंडिकेटर जलाओ, अब दूसरा, अब ब्रेक लाइट छोड़ दो, ये हो गई। अब ब्रेक दबाओ, बस ठीक है। अब इंडिकेटर बंद कर दो। अब इसमें तीन वायर आती हैं, दो वायर तो हमने सिंपली इसके साथ जोड़ दिए हैं, ठीक है। और जो रेड कलर की वायर होती है वो हमने यहाँ पर बैग लाइट पे जोड़ दी है, बस इतना सिंपल है। देखिए जो रेड कलर की वायर है वो है बैग लाइट में, और जो इंडिकेटर के दो वायर होती हैं वो डायरेक्ट इंडिकेटर की दो वायर के साथ हैं। एक बार फिर से आपको दिखाते हैं, पहले फिट कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो अब हम इस लाइट को इसके अंदर इंस्टॉल करने जा रहे हैं। यह है हमारी पुरानी लाइट और यह है हमारी न्यू लाइट, कहते हैं कि ये 75 वाट। जो भी हो खाली इसको फिट करना है। अब इसके अंदर यहाँ पर ये वायर दे रखे हैं, तो उनको निकालने के लिए पेचकस का यूज़ करें। अगर हाथ का यूज़ करते हैं तो ये हाथ में घुस सकती है क्लिप, तो आप पेचकस से इस तरीके से बिल्कुल आराम से ईजी एक एक करके सारे निकाल सकते हैं। और इसको निकालने के बाद अब है दो चीज़ें रहती हैं आपके सामने, आपको जो अपनी लाइट है किस तरीके से फिट करनी है। ये तो निकल गई पुरानी, अब हमें इस लाइट को डालनी है। तो हमारा जो बड़ा वाला प्रोजेक्टर है इसको या तो हम ऊपर रख सकते हैं या नीचे,
पर मेरा मानना है इस प्रोजेक्टर को नीचे रखना चाहिए, क्योंकि जो मेन प्रोजेक्टर रहता है वो नीचे ही की साइड में रहता है। अब ये क्लिप नीचे फंसेगा हमारा, और इसको इस तरीके से बैठा दें आप। ये प्रोजेक्टर हमारा बैठ गया है, सिंपल क्लिप ऐसे करके लगा दें आप। दो क्लिप लगा के एडजस्ट कर लें। इस तरह, और ये लाइट आपकी फिट हो गई है। ठीक है, अब चलते हैं इसको फिट कैसे करना है। अब लाइट तो हमारी फिट हो गई है, सिंपल। अगर हमें बीच वाली लाइट जलानी है तो ये कपलर से कपलर को इस तरीके से मिला देना है और हमारी लाइट जल जाएगी। ठीक है, और डिपर भी काम करेगा। पर अभी हमें ये जो DRL दे रखा है, DRL को जलाना है, और ये DRL को इंडिकेटर से भी जलाना है और हमें पार्किंग लाइट से भी जलाना है, वाइट और येल्लो। वो कैसे होता है, उसके लिए ये दो वायर देती हैं। इसको बताते हैं इसका यूज़ क्या है। नज़दीक को लगाओ बिल्कुल, यहाँ नीचे। अब देखिए, या तो आप ये वायर काट के लगा सकते हैं इसको, या फिर जो मैंने तरीके से लगा रखा है, इस तरीके से करके इसको यहाँ पे इसका कवर लगा दें और इसके बाद इसको टेप कर दें। इससे क्या होगा, कल के दिन अगर हमें इसको यूज़ करना है दोबारा से तो सिंपली वायर निकाल के हम कर सकते हैं। तो अभी हमने खाली रेड वायर को पार्किंग लाइट से कनेक्ट कर दिया है। अभी मैं दिखाता हूँ पार्किंग लाइट। तो ये हमारी पार्किंग लाइट और इंडिकेटर भी जल गए। ठीक है, एम लाइट भी जल गई है। अभी जलाना है हमें येल्लो लाइट। इसके अंदर येल्लो रिंग जलता है ना, वो कैसे जलेगा, और यह है वो येल्लो लाइट का रिंग। अब हमें करना है क्या, इसका जो येल्लो रिंग जलाने के लिए हमें इंडिकेटर की एक वायर से जोड़ना है, कनेक्ट करना है। अगर आपको एक बार दिखाता हूँ पहले, ठीक है, तो इस तरीके से जलने लगेगा। अगर आपको दोनों साइड की वायर से कनेक्ट करना है, यहाँ पर दोनों साइड की वायर से कनेक्ट करना है, तो डाइवर्ट आते हैं, छोटे छोटे दो डाइवर्ट आते हैं, वो दोनों वायर के साथ कनेक्ट करके आप लगा सकते हैं और दोनों काम करेंगे। फिलहाल हमने एक इंडिकेटर से बना रखा है, तो देखिए कुछ इस तरीके से काम करेगा। तो यह है, लाइट फिट हो चुकी है। एक बार जलाते हैं हम हेडलाइट। जैसे देखिए, हमने हेडलाइट ऑन करा, हमारा DRL बंद हो चुका है। अब टिप्पल लीजिए, देखिए यहाँ पे आपको नज़र आएगा। ठीक है, तो ये जो हमने लाइट मंगाई है, ये अमेज़ोन से मंगाई है और ये काफ़ी अच्छी है, क्योंकि आपकी लाइट की रोशनी, देखिए रोशनी अच्छी होनी चाहिए मेन। तो ये हमने अमेज़ोन से खरीदी है, बाकी चीज़ें दिल्ली से खरीदी, और इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, और बाय कर सकते हैं आप वहाँ से। काफ़ी अच्छा और प्रीमियम लुक आ रहा है ना। अब हम इसमें करने वाले हैं हैंडल बार चेंज। अब हैंडल बार चेंज मतलब हैंडल करना था कुछ ऐसा जो यूनिक और अच्छा लगता, तो उसके लिए हमने यहाँ पे ले रखा है बाहुबली स्टाइल। ये जो सर्कल रिंग है ना, ये बाहुबली स्टाइल में रहता है। पर रुको रुको रुको, इसके अंदर है अभी एक प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम को दिखाने के लिए पहले मेरे को ये पुराना हैंडल को खोलना पड़ेगा, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या है प्रॉब्लम। पुराने हैंडल में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये है, ये यहाँ पर हमारे छेद हैं। ठीक है, अब यहाँ ऊपर वाले हैंडल में दिखाते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि यह हैंडल कुछ इस तरीके से लगेगा, थोड़ा दूर से दिखाइए, यह हैंडल कुछ इस तरीके से लगेगा। तो हमें क्या, सेम यहीं पर इस तरह के होल चाहिए। जब भी आप बाय करें, अगर आपको मतलब मार्केट से जाके परचेस करते हैं, तो ये चीज़ ज़रूर देखिए कि यहाँ पर स्क्रू होना चाहिए, अदरवाइज आपको कराना पड़ेगा। इसमें भी हम करा लेते हैं। तो जिस होल की बात कर रहे थे, वो होल ये रहा, और ये होल रहता किस चीज़ के लिए है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये निप्पल इसके अंदर बैठ जाता है, सिंपल कुछ इस तरीके से, ये इस तरीके से बैठ जाता है, इसके लिए ये दिया होता है। तो इधर की जो फिटिंग रहती है, इधर साइड में हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, और ना कोई वायर छोटी पड़ती है, सिंपली हमारा ये वायर यहाँ पहुँच जाती है। ठीक है, और ये वायर पहुँच जाती है। पर इधर साइड में अभी थोड़ा प्रॉब्लम आती है, जो हमारे ये टोटल केबल है ना, एक्सीलेटर वायर, ये थोड़ा छोटी पड़ती है। इसको बड़ी करने के लिए हमें एक बार टंकी खोलनी पड़ेगी, और फिर दिखाते हैं क्या करना पड़ता है। अब जो हमारी ये एक्सीलेटर वायर है, टोटल वायर, इसको बड़ी करने के लिए ये देखिए, जब कंपनी से आता है नॉर्मल हैंडल में, तो ये इधर से जा रखी होती है। अब इसको हम उधर साइड से लेंगे, तो हमारा जो इतना राउंड है, राउंड बच जाता है और वायर हमारी लंबी हो जाएगी।
अब जो वायर हमने यहाँ से निकाल रखी है, ये इस वायर को निकालने के बाद क्या होता है, अगर हम यहाँ से नहीं निकालते तो जब हैंडल को हम राइट या लेफ्ट करते तो हैंडल एक साइड में ओवर स्पीड कर देता है। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, अभी तो नहीं करेगा। देखिए ऐसे घुमाते तो दोनों में से एक साइड करने पे ओवर स्पीड करता, तो ये वायर इस तरीके से करने से आपकी कोई भी वायर चेंज नहीं करनी पड़ती है ये हैंडल डालने के लिए। और इस हैंडल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से खरीदिए डायरेक्ट काम। इसके अंदर हम डाल रहे हैं ट्यूबलेस टायर, और ये 120 मतलब जो हमारा नॉर्मल टायर होता है उससे थोड़ा सा मोटा चौड़ा टायर है, और इसको ट्यूबलेस बनाने के लिए हमने ट्यूब निकाल दी। यहाँ पर बाल बाल्टी लगती है, ठीक है, तो यही है। और ये टायर हमारा कितने का पड़ा, 3600 के दोनों आगे पीछे के दोनों टायर पड़े। तो टायर जो है हमारा ये कॉन्टिनेंटल का है, और टायर हमारा ट्यूबलेस है। एक बार यहाँ से दिखेगा सही क्लियर, यस ये है ट्यूबलेस टायर। अगर आप इसी का जो हमारा ओरिजिनल टायर होता है इसी को ट्यूबलेस बनाएंगे तो दिक्कत कुछ नहीं है, कुछ टाइम के बाद वो टायर ख़राब हो जाता है क्योंकि इसके अंदर वायर लगे रहते हैं और ट्यूबलेस के अंदर नहीं होते हैं। तो मेरी सजेस्ट यही रहेगी कि आप जब भी ट्यूबलेस बनाते हैं तो जो ट्यूबलेस टायर होता है उसी को बनाएं, वरना आपके में हवा लीक होने की प्रॉब्लम रह सकती है या आ सकती है। तो यही था इसमें। तो अभी हम इसका एक लेग गार्ड फाइनल और चेंज करने वाले। लेग गार्ड को चेंज करने का मेन कारण है कि देखिए यहाँ नीचे की साइड पे देखते हैं, यहाँ पे ये रस्ट लग गई है और जो इसका क्रोम होता है ये क्रोम उतरने लगा है। तो मेन लेग गार्ड को लगाने का मेन रीज़न यही रहता है कि सेफ्टी फीचर्स हमारे काम आए, इसलिए हमारे पास है ये लेग गार्ड। ये लुक भी अच्छा आता है, थोड़ा रस्सी लपटी रहती है ना, रस्सी अच्छी लगती है और सेफ्टी भी है, तो इस लेग गार्ड को लगाते हैं। तो फाइनली काम हो चुका है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये हमारी 3500 रुपये के आसपास पड़ी है, 1000 रुपये के खाली इंडिकेटर पड़े हैं, और टायर हमारा आगे पीछे के दोनों 3600 रुपये, 3600 रुपये के। ये कॉन्टिनेंटल का पीछे का कॉन्टिनेंटल है टायर, कॉन्टिनेंटल, और आगे का है रिलाइको। लेग गार्ड हमारा 1200 रुपये का पड़ा है, अच्छा लग रहा है, ठीक है, और पीछे की एक बैकलाइट है ये बैठी 450 रुपये के आसपास की। तो यही कुछ चीज़ें थी। एक बार मैं हैंडल बार दिखा देता हूँ, हैंडल ठीक है पर मेरे को पसंद नहीं आया क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है ना, क्वालिटी में मेरे को नहीं मज़ा नहीं आया, क्वालिटी में क्वालिटी इसकी बुस। एक बार दिखाते हैं आपको, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बेल्डिंग है ना, इसका बेल्डिंग अच्छा नहीं है। तो बाकी सब कुछ ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। जैसा भी लगा हो कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर कुछ खरीदना है तो अमेज़ॉन से खरीद सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। और मार्केट से खरीदना चाहते हैं आफ्टर मार्केट, तो आपको मार्केट में काफ़ी जगह मिल जाएंगी दिल्ली, जहाँ से भी हैं, ज़रूरी नहीं है दिल्ली, जहाँ से भी हैं वहाँ से खरीद सकते हैं। फिलहाल के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। तो हैंडल पे बैठने के बाद ये ड्राइव कैसी लगेगी आपको, अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, इतना मजा नहीं आएगा, जो इसका साथ में आता है वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। आपका कहना है जो ओरिजिनल है वो ज्यादा बेटर है ना, बस ये देखने के लिए लुक के लिए अच्छा है, ठीक है, और बाकी चला के देखेंगे, बाकी चला के देखते हैं, फिर बताते हैं आप। ओके।